से निकल सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त ही होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा की है। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। अब मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है, अगर सागर की कुछ बूंदे गंदी है तो सागर गंदा नहीं हो जाता। तो सभी को जय हिंद। मैं जुवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सभी का डिफेंस अड्डा 24/7 पर। आई नो आप सभी लोग मेरे लिए वेट कर रहे होंगे, तो सॉरी फॉर इट। थोड़ा सा आज क्या कहते हैं हॉलीडे है तो मैं भी थोड़ा सा लीनियंट हो गया क्योंकि और कोई लेक्चर लगे हुए नहीं, तो मैंने कहा थोड़ा मैं टाइम से ले लूं। और स्पेशली गांधी जी पे बेस्ड यूपीएससी के क्वेश्चंस को बना रहा था तो इसी वजह से आरएनडी में थोड़ा टाइम लग गया। तो सभी का वेलकम यू एंड हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ यू। महात्मा गांधी वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पर्सन में से एक हैं और इंडिया का जब जिक्र किया जाता है तो लोगों के मन में हमें लैंड ऑफ गांधी, मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे इंडिया को लैंड ऑफ गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो सभी का वेलकम है। ओके ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी का वेलकम है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके ओके जय हिंद एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सेशन है अगेन महात्मा गांधी जी के ऊपर है और जैसे कि एक आप इनका कोट देख रहे हो, वो कोट क्या है आपका उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। कोट क्या है? स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, यानी आप किसी चीज़ को जीतते हो यानी पावर से आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आती है कि आप किसी मुक्के को तो किसी चीज़ को मार के तोड़ दे। दरअसल आपके विचारों में, आपके बिलीफ में जो स्ट्रेंथ होती है वही आपकी वास्तविक स्ट्रेंथ माना जाता है। ओके बिल्कुल आज हिमांशु आपने बिल्कुल सही कहा। गांधी जी के साथ साथ आज हमारे भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री जी हैं स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी जन्म दिवस होता है। वो भी एक भारत के सबसे ग्रेट लीडर्स में से एक हैं। उन्होंने उस समय भारत को संभाला था जिस समय भारत लड़ाई और भुखमरी, क्योंकि उस समय भारत में सूखा पड़ा हुआ था, 1965 की बात है, और उन्होंने डायरेक्ट इंटरनेशनल इंडियन आर्मी को इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने का ऑर्डर किया था क्योंकि पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने 1965 में क्या करा था, ऑपरेशन सर्च लाइट और सॉरी ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू करा था। पाकिस्तान आर्मी एज ए मतलब डिस्गाइज में आपका कश्मीरी बन के आके अटैक कर रहा था अपना पठानकोट सेक्टर से ऊपर, और वहाँ पे तो उन्हें लगा कि ये प्रधानमंत्री ये छोटा सा है ये क्या करेगा। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कहा आप इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करो और सीधा जाओ। तो ध्यान रखिएगा 22 सितंबर 1965 अभी गया है, 22 सितंबर, बैटल ऑफ डोगराई, 3 जाट राइफल्स लाहौर से मात्र 20 किलोमीटर दूर रह गई थी, मतलब लाहौर के आउटस्कर्ट में पहुंच गई थी एक तरीके से, लेकिन उस समय ताशकंद समझौता होता है और हम वहाँ से वापस आ जाते हैं। बिल्कुल तो हम वहाँ तक तो जीत गए थे। तो जय हिंद सभी को माय डियर स्टूडेंट्स। देखो कुछ लोग इन गांधी जी से के अगेंस्ट हो सकते हैं, कुछ लोग गांधी जी के, ज़्यादातर लोग मोस्टली 95% लोग गांधी जी के साथ हो सकते हैं। तो ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यहाँ आपका डिसेंट भी होती है, यहाँ आपकी असेंट भी होती है, लेकिन हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और स्लाइड चेंजर कहाँ है, ये रहा, वेरी गुड। एनडीए के लिए पेड बैच,
एनडीए के लिए पेड बैच जो है अभी मतलब अगर आप जीके और इंग्लिश के लिए है तो वो तो अभी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन वो जो आपका फिजिक्स, हाँ उसके लिए भी हो जाएगा, हायर मैथ्स के लिए अभी थोड़ा इशू है। सो शुरू करते हैं, अभी आपको उसके लास्ट में बता दूंगा। तो प्रणय ठाकरे सर को जय हिंद सर, आपको हैप्पी बर्थडे, आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएं सर, अपने परिवार अपने फैमिली का नाम रोशन करें और हमेशा लोगों की भलाई का काम करें, लोगों की हेल्प करें, क्योंकि जो अगर जो ह्यूमन सर्विस करता है ना वही जीवन में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो गॉड ब्लेस यू सर। चलिए, तो गांधी स्पेशल जयंती पे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनके साथ हम थोड़ा क्वेश्चंस करने का कोशिश करेंगे। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, गांधी जी ने, ये सत्यगढ़ हो गया ठीक है, सत्यगढ़ हो गया, वैसे सत्याग्रह होना चाहिए था ठीक है। तो गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीक कहाँ गढ़ी, ये सुबह भी मैं क्वेश्चन इसी तरीके से मैंने कराया था ठीक है। रजत कुमार भट्ट को जय हिंद। तो ध्यान रखिएगा सत्याग्रह के टेक्निक के बारे में जो है, सुबह भी मैंने एक बार आपको बताया था, दोबारा से बता देता हूँ कि आपका सत्याग्रह हो ठीक है, सत्याग्रह, ये सत्याग्रह एक्चुअली में होता क्या है, सत्याग्रह आपका पैसिव रेजिस्टेंस बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है, पैसिव रेजिस्टेंस, पैसिव रेजिस्टेंस, आप किसी को फोर्सफुली किसी को रोकते हो तो वो आपका एक्टिव रेजिस्टेंस होता है। अभी शुरू में मैंने एक वीडियो चलाई थी जिसमें सारे बॉलीवुड स्टार, तो सबसे पहले आमिर खान ने क्या कहा था कि मैं हिंसा का इसलिए विरोध करता हूँ कि हिंसा से जो चीज़ हमें प्राप्त होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन शांति से जो हमें चीज़ प्राप्त होती है वो लंबी होती है। ओके, सो आपका पैसिव रेजिस्टेंस को ही सत्याग्रह है, दोनों एक है, ये आपका इंग्लिश वर्जन है और ये आपका हिंदी वर्जन है। गांधी जी ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था सत्याग्रह को 1907 में ठीक है, और साउथ अफ्रीका में यूज़ किया था अगेंस्ट नेटिव मैरिज एक्ट ठीक है, नेटिव मैरिज, ओके, नेटिव मैरिज एक्ट के अगेंस्ट। ये नेटिव मैरिज एक्ट क्या था, नेटिव मैरिज एक्ट ये था कि साउथ अफ्रीका में वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ लाई थी और जो भी शादियाँ चर्च में नहीं हुई हैं उन सबको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था, उन सबको क्या कर दिया गया था, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था ठीक है। तो नेटिव मैरिज एक्ट 1907 इंडिया में ठीक 10 साल बाद 1917 में आपका चंपारण में, जिसे हम इंडिगो सत्याग्रह या नील सत्याग्रह भी बोलते हैं, चंपारण लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, और अब तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। गांधी जी ने जो पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह, ये एक पर्सन से इन्होंने इस मेथड को सीखा था जिनका नाम है हेनरी डेविड थ्योरो, ओके, हेनरी डेविड थ्योरो। आज का क्वेश्चन बनाते हुए 3 क्वेश्चंस तो मेरे को मतलब पूरा मैंने टाइप करा, बाद में उसको डिलीट करा क्योंकि इतने बड़े हो गए थे हिंदी इंग्लिश करते हुए कि पूरी स्लाइड पे भी नहीं आ रहे थे, और वो 2018 के क्वेश्चंस है, आगे कभी कराऊंगा लेकिन वो केवल एक ही लैंग्वेज में हो पाएंगे, तो हिंदी में हो पाएंगे या इंग्लिश में। सो आई होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे, विच इंडियन बिजनेसमैन फेवर्ड हेल्दी कैपिटलिज्म इन हेल्पिंग गांधी टू वर्क टूवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्ट। सो आंसर दोस्त क्वेश्चन का क्या होगा, देखो इसी तरीके का एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन लगाया मेरे को, तो लेट्स सी। और ध्यान रखिएगा कल के बारे में आपको मैं बता दूं, कल हमारी जो सीरीज होगी ठीक है, कल के बारे में आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कल एक हमारी कारगिल टेस्ट सीरीज है और परमवीर चक्र टेस्ट सीरीज है, कल CDS के लिए परमवीर चक्र है और NDA के लिए कारगिल है, तो आप उसमें ज़रूर आएगा। 250,000 में बिगेस्ट समझा नहीं हिमांशु, 2000 इंडिया बिगेस्ट आयातक हो जाएगा, आयातक तो नहीं होना चाहिए, निर्यातक होना चाहिए यार, ओके। बिरला घनश्याम दास बिरला आंसर दे रहे हैं, ओके, बाकी और बताओ भाई क्या होगा आंसर, घनश्याम दास बिरला, एक्चुअली इसकी एक्सप्लेनेशन देख रहा हूँ मैं,
मैंने लिखी तो थी कहीं पे इसकी एक्सप्लेनेशन। ओके हाँ बिल्कुल। देखो घनश्यामदास बिरला इनका है और इन्होंने लिखा था राजेंद्र बाबू को, ठीक है, और वल्लभ भाई विठल भाई पटेल जी को। विठल भाई पटेल देख ध्यान रखेगा, ये विठल भाई पटेल पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख लेगा, घनश्यामदास जी ने तीन लोगों को लेटर लिखे थे, ठीक है, एक तो राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो भारत के क्या बने थे, सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, फिर आपका विठल विठल भाई पटेल, इन पे CDS में इस साल का जो शुरू का एग्जाम हुआ था 2020 में उसमें क्वेश्चन आता विठल भाई पटेल, या इससे पहले जो नवंबर में हुआ था ये विठल भाई, हाँ पिछले साल नवंबर वाले एग्जाम में था ये विठल भाई पटेल। क्या था, जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करता है ना 1920 से 1922 और फिर वो वापस ले लेते हैं, क्या कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, तो स्वराज पार्टी बनती है, वो स्वराज पार्टी के तहत इलेक्शन लड़ते हैं और मोतीलाल नेहरू CR दास और विठल भाई पटेल आपका किस में जाते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो विठल भाई पटेल के बारे में एक चीज़ नोट करिएगा, 1925 में ये फर्स्ट इंडियन स्पीकर बने थे, यानी चेयरमैन बने थे लेजिस्लेटिव असेंबली के विठल भाई पटेल। और राजा जी जो टाइटल है वो किसको बुलाया जाता है, राजा जी टाइटल दिया जाता है C. राजा गोपालाचारी को, जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी हैं, और 3rd of January 1954 को फर्स्ट रेसिपिएंट हैं किसके, भारत रत्न के। अब ये जो है हेल्दी कैपिटलिज्म की, भाई दो तरीके की विचारधारा होती है, एक होता है आपका सोशलिज्म जहाँ पे पूरा सरकार का कंट्रोल रहता है, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट प्राइस इकोनॉमी में मैंने आपको बताया, एक होता है कम्युनिज्म, साम्यवाद इसे बोलते हैं। कम्युनिज्म में क्या होता है कि सारी प्रॉपर्टी ना गवर्नमेंट ओन करती है, जैसे नॉर्थ कोरिया में है, ठीक है। तो इन्होंने उसके बीच का रास्ता बताया था कि अगर हम लोगों की भलाई के लिए प्राइवेटाइज करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्दी कैपिटलिज्म। फॉर एग्जाम्पल ये मैं अपनी तरफ से कोट कर रहा हूँ, मे बी इसमें मैं गलत हो सकता हूँ, ओके चलो ठीक है हिमांशु भी मैं पढ़ नहीं पाया सॉरी क्वेश्चन को, आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा उसमें मैं कर दूंगा। उसमें ये क्या है, क्या बता रहा था, देखो मैं भटक गया ना, हाँ जैसे जियो का आपका जो सिम है 2017 के लास्ट में जियो आया था या 2016 में आया था, आप लोग और मैंने भी खुद 1 GB जो इंटरनेट है हमने 300 रुपीज़ का परचेज कराया ना, अब 300 रुपीज़ या 500 रुपीज़ में हम 45 डेज के लिए पर GB 1 GB डाटा। तो जियो जो लाया था ना वो आपका एक तरीके से हेल्दी कैपिटलिज्म का पार्ट था, आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ओके सेजल मैं अभी बेटा आपको लास्ट में बताऊंगा, आप पहले पढ़ लो उसके बाद, क्योंकि पढ़ाते वक्त बिजनेस की बातें नहीं होती, पढ़ाते वक्त केवल पढ़ाई की बात होती है, डेफिनेटली उसके बारे में जिक्र करूंगा। सो, आपका हेल्दी कैपिटलिज्म की बात किसने करी थी, घनश्याम दास बिरला जी ने, ठीक है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, ओके बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है। अम्बाला साराभाई, सर BN मुखर्जी, TT कृष्णाचारी, ये TT कृष्णाचारी आपका ना ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ठीक है। और अम्बालाल साराभाई के बारे में मैं बता दूं, अम्बालाल साराभाई जो गांधी जी ने सबसे पहले आपका भूख हड़ताल करी थी ना वो आपका अहमदाबाद मिल मूवमेंट में करी थी, तो अहमदाबाद मिल एसोसिएशन के, ओके अहमदाबाद मिल एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और इन्होंने ही फिर गांधी जी की बातों को माना था। अच्छा अम्बालाल साराभाई की बहन गांधी जी के साथ दे रही थी, ध्यान रखिएगा ये चीज एक बार, ओके चलिए अगला क्वेश्चन। गांधी जी सत्याग्रह के दर्शन पर आधारित निम्नलिखित में से किस संघर्ष में औद्योगिक मजदूर वर्ग शामिल था, तो ये वही जिसकी मैं अभी आपको मैं बात बता रहा था, दैट इज क्या आपका, ठीक है 1918 में, ठीक है 1918 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, महंगाई बढ़ गई थी,
इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाना पड़ रहा था, वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि हमारा 50% हाइक किया जाए। जो मिल ओनर्स थे, जिनके हेड कौन थे, अंबालाल सारा भाई, वो कह रहे थे कि हम आपका 20% ही क्या कर पाएंगे, हाइक कर पाएंगे। तो गांधी जी इस अहमदाबाद मिल मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं, अहमदाबाद मिल, ओके, अरे अहमदाबाद दोनों साथ साथ लिख दिया मैंने, अहमदाबाद मिल मूवमेंट को शुरू करते हैं। और ये अहमदाबाद मिल मूवमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गांधी जी ने पहली बार एक मेथड को यूज़ किया था जो अभी तक कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ था, वो था आपका हंगर स्ट्राइक, या एक तरीके से कहें आमरण अनशन। तो गांधी जी के साथ कई सारे आपके जो मिल वर्कर थे वो किस पे बैठ गए थे, भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। कई सारे जो मिल वर्कर हैं वो किस पे बैठ गए थे, भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। और फाइनली उनकी फिर मांगे मान ली गई थी, और इसमें कितना परसेंट हाइक दिलवाया था, 35% हाइक दिलवाया था, ठीक है। इसमें कितना हाइक दिलवाया था, 35% हाइक दिलवाया था। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके, एक मिनट, मैं जरा उनका नाम मैं भूल गया, क्योंकि कई बार ना हिस्ट्री में यही होता है। सिस्टर का नाम क्या है इनकी, अंबालाल साराभाई सिस्टर, इन्होंने अप्रोच करा था, अनुसुईया साराभाई, सो ओके। इस अहमदाबाद मिल मूवमेंट में जो अहमदाबाद मिल एसोसिएशन के ओनर थे, जो मैंने आपको पीछे बताया अंबालाल साराभाई, ये अनुसुईया के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो उनकी हेल्प करी थी वो किसने की थी, अनुसुईया साराभाई ने, ठीक है, अनुसुईया साराभाई। ये अनुसुईया साराभाई जी कौन थी, ये अंबालाल साराभाई की बहन थी, और गांधी जी का इन्होंने साथ दिया था कि नहीं मिल ओनर्स की क्या होनी चाहिए, मिल ओनर्स की क्या, सॉरी मिल वर्कर्स की आपकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। तो उसका ऑप्शन नंबर सी होगा। खेड़ा सत्याग्रह या आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, ओके, दोनों ही गुजरात के डिस्ट्रिक्ट हैं, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर टैक्स से था, और ये भी आपका एग्रीकल्चर टैक्स रिलेटेड था। इसमें तो आपका ये 1928 में हुआ था, और इसमें जो मेन लीडर थे वो वल्लभ भाई पटेल थे, और यहीं से ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल भी दिया गया। ये जो खेड़ा सत्याग्रह है क्या हुआ था, 1918 में हुआ था ये भी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, सूखा पड़ा था, बारिश नहीं होती, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी फार्मर से कि आपको तो टैक्स देना पड़ेगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बना रखा था कि टैक्स देना, फार्मर्स कह रहे थे कि भाई उसी कानून में लिखा है कि आपको हमें रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, आपको हमें कंपनसेशन भी देना होगा, उसकी बात नहीं कर रहे, आप ऊपर से टैक्स दे रहे हो। तो गांधी जी के द्वारा अगर पहला सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, ये सुबह भी मैंने आपको बताया कि सत्याग्रह और सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट ना दोनों एक जैसे हैं, एक समान हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने के अक्सर शुरुआत की जाती है। देखो, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट और सत्याग्रह में क्या है, अगर कोई लॉ पहले से इम्प्लीमेंटेड है या कोई लॉ इम्प्लीमेंट किया गया है जिसमें कुछ कमियाँ हैं, यानी 50% वो गलत है या जिसमें कुछ कम, किसी कानून को हटाने की अगर बात की जाए तो वो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट है, मैं आपका ये कानून नहीं मानता, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सत्याग्रह, जहाँ ह्यूमन राइट की बात होती है, जहाँ पे ह्यूमन राइट की बात होती है कि नहीं ये पूरी तरीके से गलत है, ये चीज़ आप इसको ख़त्म करिए, ठीक है, तो वो आपका सत्याग्रह। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, किसानों से ज़बरदस्ती खेती कराई जाती थी नील की, सत्याग्रह। यहाँ पर किसानों को जबरदस्ती टैक्स देने के लिए क्या किया गया था, तो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। गांधी जी ने जो अपना पहला सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट करा था वो साउथ अफ्रीका में करा था 1906 में, जहाँ पर क्या आया था, रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या था, इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये बात कही गई थी कि जो भी उस समय इंडियंस थे उन्हें अपने साथ अपने पेपर्स को कैरी करके चलना पड़ता था। तो एक तरीके से वो क्या था, एक आप पर एक तरीके का गवर्नमेंट का अत्याचार था। तो इसी वजह से गांधी जी ने पहला सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट साउथ अफ्रीका में करा था 1906 में, और 1918 में किसानों से
सूखे के दौरान भी टैक्स लिया जा रहा था लॉ के जरिए, तो इसी वजह से मैं आपका कानून नहीं मानता, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। फिर आगे चल के 1930 में भी आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है, क्योंकि 1982 से ब्रिटिशर्स नमक पर भी टैक्स ले रहे थे, तो गांधी जी ने उसको नमक पर टैक्स देने के लिए सिविल डिसोबीडिएंट शुरू करा, और जिसका पहला फेज आपका सॉल्ट सत्याग्रह यानी दांडी मार्च था। ठीक है, ओके, आई होप आप सबको समझ गए होंगे। वेरी गुड, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्यागढ़, अरे अच्छा ये सत्यागढ़, ये हिंदी में गूगल वाला आज ना गलत कर रहा, सत्यागढ़ हो रहा बार बार, सत्याग्रह है ये। ठीक है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, तो चलो जरा विचार करो, ये यूपीएससी 2018 में आया है ये क्वेश्चन, और थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ओके, कि सबसे सिग्निफिकेंट है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट वुमेन और का किसमें, नेशनल मूवमेंट में। एक्चुअली ये जो पार्टिसिपेशन आपका हुआ था ये मेरे ख्याल से इसमें नहीं हुआ था, स्टूडेंट का आपका ना 1920 में जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होगा, ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसमें पार्टिसिपेट करा था। इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल, दलित और ट्राइबल का जो नेशनल मूवमेंट में रोल है वो डॉक्टर अंबेडकर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें आपका तो डॉक्टर अंबेडकर है, एक यहाँ पे लिख लो 1927, गांधी जी और अंबेडकर जी में ना बहुत इम्पोर्टेंस थी। ये एक है महाड सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा महाड सत्याग्रह, डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को पब्लिक प्लेस में पानी पीने का अधिकार दिलवाया था, पहले उन्हें पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, मतलब तालाब से कोई जानवर पानी पी ले, कोई भेड़ या कुत्ता या कोई भी पानी पी ले तो जल दूषित नहीं होता था, लेकिन अगर कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो जल पी ले तो जल दूषित हो जाता था। ये पता नहीं कौन सी फिलॉसफी या साइंटिफिक नॉलेज थी। जो आपका चंपारण सत्याग्रह का था वो था कि आपका फार्मर्स, ऑप्शन नंबर सी, फार्मर्स से रिलेटेड था। देखो यहाँ पर ये क्या है कि ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन एंड क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप, वृक्षारोपण फसलों और व्यावसायिक फसलों की खेती में भारी कमी, ये तो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा जो चंपारण गांधी जी गए थे वो एक पर्सन, एक फार्मर था चंपारण का, उसकी ही रिक्वेस्ट पे गए थे, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला के रिक्वेस्ट पे ही आपके जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी चंपारण गए थे और अपना पहला सत्याग्रह वहीं पर करते, वहीं पे ही गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर पहला एक टाइटल देते हैं महात्मा का, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद ही उन्हें महात्मा का टाइटल मिला है। ओके, अगला, हु अमोंग द फॉलोइंग, अब ये हिंद स्वराज, गांधी जी ने कई सारी बुक्स लिखी है, देखो यहाँ पर ध्यान रखो, अगर मैं बात करूँ गांधी जी की, ठीक है, तो गांधी जी की जो दो बुक्स हैं, ठीक है, गांधी की अगर बुक्स की बात करें गांधी जी की, तो इनकी दो बुक्स बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, पहली बुक है सुबह, इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी कराया था, अगर आई होप आप लोगों को ध्यान हो, पहला तो है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ये जो अपना सेकंड राउंड टेबल से जब वो पानी के जहाज से भारत आ रहे थे तब उन्होंने लिखी थी। दूसरी इनकी बुक है माय एक्सपेरिमेंट, और भी बुक है इनकी, ध्यान रखिएगा, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, सच के साथ मेरे एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी दो बुक हैं। फिर गांधी जी एक मैगजीन भी पब्लिश करते थे, लेकिन वो मैगजीन साउथ अफ्रीका में पब्लिश करते थे। ठीक है, गांधी जी एक मैगजीन, ये आपकी मैगजीन तीन लैंग्वेजेस में छपती थी, इंग्लिश, गुजराती और तमिल लैंग्वेज में छपती थी, इस मैगजीन का नाम था इंडियन ओपिनियन, और ये इंडियन ओपिनियन जो मैगजीन थी, ठीक है, ये जो इंडियन ओपिनियन मैगजीन थी ये गांधी जी कहाँ पर पब्लिश करते थे, साउथ अफ्रीका में, मंथली मैगजीन थी। अगर मैं बात करूं न्यूज़पेपर की तो न्यूज़पेपर जो गांधी जी से एसोसिएटेड हैं उसमें, मतलब गांधी जी उनको पब्लिश नहीं करते थे,
उसमें एज एन एडिटर यानी संपादक के तौर पे वो वर्क करते थे, मतलब अपने एडिटोरियल देते थे। तो एक है यंग इंडिया, यंग इंडिया पहले ये न्यूज़पेपर एक तरीके का सोशल मीडिया होता था, ठीक है। और दूसरा है आपका हरिजन। गांधी जी ने भी दलित मूवमेंट का बहुत बड़े हिमायती थे वो भी, तो दलितों को जो उनकी जाति पर लेके उनके आक्षेप किया जाता था, इसी वजह से उन्होंने एक उनको एक प्रॉपर नाम दिया था, भगवान हरि के जन, हरिजन नाम उन्होंने ही दिया था। ओके हाँ ओके वेरी गुड। फिनिक्स सेटलमेंट के संस्थापक कौन है? अब देखो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पे कई सारे इंडियंस भी काम करते थे। तो एक होता है डायस्पोरा, तो कई सारे, अब आप लोग कहीं पे जाओ, अगर आप कहीं अमेरिका में रहो या इंडिया से बाहर लंदन में, तो आप वहाँ पे देखोगे ना कि वहाँ पे सेम कम्युनिटी है, वहाँ हिंदू मुस्लिम तो भारतीय है, चलो सारे भारतीय एक साथ रह रहे हैं, सारे इंडियंस, वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई सिख एक अलग रह रहे हैं या मुस्लिम अलग रह रहे हैं, वहाँ सारे इंडियन हो जाते हैं, अनऑफिशियली अनविलिंगली सारे इंडियन हो जाते हैं। तो उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस रहते थे ना, तो गांधी जी ने, क्योंकि यूनिटी सबसे बड़ी पावर होती है, तो उन सबको इकट्ठा रखने के लिए आश्रम्स बिल्डअप करे थे। तो गांधी जी ने सबसे पहले आश्रम बनाया था 1904 में, इसका नाम था फीनिक्स आश्रम, ठीक है, फीनिक्स। आज की डेट में इसे गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। ओके, आज की डेट में इसे किस नाम से जाना जाता है? गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। ओके, फीनिक्स फार्म। ओके, फीनिक्स फार्म कहेंगे वैसे तो, आश्रम नहीं कहेंगे। फिर इन्होंने 1910 में आपका कौन से फार्म की एस्टेब्लिशमेंट करी थी? टॉलस्टॉय फार्म, ठीक है, टॉलस्टॉय। और आजकल मैं क्या बात है, मैं आप लोगों को जो होमवर्क देता हूँ आप उसको नहीं बताते हो, ऐसा मत करा करो, आप ही के लिए बताता हूँ, क्योंकि उससे आपकी जो इन्वेस्टिगेटिव पावर है वो जनरेट होती है, उसमें मेरा 1% भी फायदा नहीं होता है। आप लोगों को बस अब इतना सा काम करना है, फीनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म कहाँ पे है? आंसर मैं दे रहा हूँ, जोहान्सबर्ग और डरबन। तो आप बताइएगा डरबन में कौन सा फार्म है और आपका जोहान्सबर्ग में कौन सा फार्म है। साथ ही साथ एक चीज़ और है, आपको उस प्लेस का नाम भी बताना है जहाँ गांधी जी के साथ ट्रेन इंसिडेंट हुआ था, यानी गांधी जी को आपका ट्रेन से बाहर धक्का दे के निकाल दिया गया था। गांधी जी को ट्रेन से बाहर धक्का दे के निकाल दिया गया था, साबरमती आश्रम 1915 डियर, ठीक है, साबरमती आश्रम। कई सारे उन्होंने आश्रम बनाए, आप उन्होंने साबरमती आश्रम है, ठीक है, साबरमती आश्रम 1915 में, फिर आपका वर्धा, ठीक है, वर्धा हो गया, फिर एक आपका पनवार हो गया, ठीक है, कई सारे आश्रम बनाए गांधी जी ने, पनवार हो गया, सेवाग्राम हो गया, ओके, सेवाग्राम। खैर अब आज की डेट में सब गांधी आश्रम के नाम से जाने जाते हैं। गांधी जी को लोग कितने ही गाली दे दे, लेकिन गांधी जी रहेंगे, ध्यान रखिएगा। सो आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ ओके ओके, फीनिक्स डरबन में है, ओके वेरी गुड, फीनिक्स डरबन। पल्लवी ठाकुर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय हिंद रक्षम झा सर, कैसे हैं सर आप? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। एक स्वस्थ शरीर का अर्थ है जो स्वयं को आत्मा के प्रति झुकाता है और उसकी सेवा में हमेशा तैयार रहता है, ठीक है, यानी जो अभी आपको वीडियो चल रहे थे सलमान खान क्या कह रहा था कि अपने आप की खोज करनी है तो दूसरों की सेवा में जाओ, और NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी का मोटो शायद गांधी जी की विचारधारा पे लिया गया है। तो कौन इसमें से जो NDA एस्पायरेंट है वो मेरे को NDA का मोटो बता सकता है? जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी का है वीरता और विवेक, वेलर एंड विजडम। इंडियन एयरफोर्स का है टच स्काई विद ग्लोरी, ओके, नभः स्पर्शम दीप्तम। तो जरा NDA का मोटो कौन कौन बता सकता है आप में से, जरा बताओ।
अरे आज के तो सारे आंसर गांधी जी पे ही होंगे भाई, बर्थडे है आपके, बर्थडे वाले दिन आपको ना पूछा जाए यू फील बैड ना। आंसर तो इसका गांधी जी ही है डेफिनेटली। ओके अच्छा, आप में से स्काउट में कौन रहा है? एनीवन फ्रॉम स्काउट, स्काउट एंड गाइड में रहा है कोई? आप में से कोई स्काउट में रहा है? ऐसे सल्यूट करते थे स्काउट एंड गाइड, मैं भी रहा हूँ। तो स्काउट एंड गाइड के जो फाउंडर है ना, ये बैडन पावेल है। आप में से शायद अगर कोई रहा हो तो ज़रूर इसको बताएगा, ठीक है। एनडीए का जो मोटो है ना, वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ओके सर्विस बिफोर सेल्फ। ओके एंड सीडीएस में तो उसमें जाते हैं ना, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जाते हैं, अकेडमी वो तो एग्ज़ाम का नाम है। एनडीए सीडीएस तो एग्ज़ाम का नाम है, एनडीए तो पूरी अकेडमी है। ओके अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खिलाफत आंदोलन? अब ये देखो, मैंने सुबह ये क्वेश्चन बताया था कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। देखो 1914 से 18 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, तो इसमें जो ब्रिटिशर से हार गई थी कंट्री, उस कंट्री का नाम था टर्की। ओके और टर्की में जो रिलीजियस हेड होता है खलीफा होता था, ठीक है। तो टर्की में क्या किया गया था, पोस्ट ऑफ खलीफा, पोस्ट ऑफ खलीफा ओके वॉज एबॉलिश्ड। खलीफा को उनके पद से क्या कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। इंडियन मुस्लिम्स जो थे खलीफा को अपना रिलीजियस हेड यानी धार्मिक गुरु मानते थे, तो उन्होंने इसका प्रोटेस्ट करा था। तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको इसमें से इसका आंसर बताना है। नहीं सर गलत हो, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये अली ब्रदर्स थे। ये शुरू किसने करी थी, अली ब्रदर्स ने। इंडिया में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई थी इसके अगेंस्ट में, क्या शुरू हुई थी, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत। इसमें वो हुआ था जो ब्रिटिशर्स ने सोचा नहीं था, द मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी ये किसने करी थी, आपकी शौकत अली, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ये एक ना यूपीएससी की फेवरेट चीज़ होती है कि वो ऑप्शन ऐसे लगती है कि आपको गलत आंसर चूज करने के लिए आपको इंटिमिडेट करती है कि आप गलत आंसर चूज करो। अब उन्होंने यहाँ पर मोहम्मद अली और शौकत अली, भाई इन्होंने ही तो शुरू करा था, अली ब्रदर्स ने। ओके तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है आपके, इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस ने तो सपोर्ट करा था, यही तो गलत है और यही तो आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों ही नहीं आपके टक्कर में। दोस्तों यहाँ पर आपको प्योर जो जिस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं विद क्लियर कंसेप्ट आपको बताता हूँ मैं, ध्यान रखेगा। इट वॉज नॉट सपोर्टेड, ये गलत स्टेटमेंट नहीं लग रही, कांग्रेस हमेशा से हिंदू मुस्लिम्स को साथ लेके चलती थी। जब 1909 में मुस्लिम्स को अलग कॉम्युनल इलेक्टोरेट दिया गया था तो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट उसका करा था 1909 में, लेकिन जब मुस्लिम्स के पर अत्याचार हुआ उनके अगेंस्ट हुआ तो कांग्रेस सबसे पहले खड़ी हुई थी साथ 1919 में। ध्यान रखिएगा सीडीएस का ही क्वेश्चन है आज, इसमें शायद मैंने इंक्लूड नहीं किया है। वो क्वेश्चन क्या है कि 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, महात्मा गांधी उसके प्रेसिडेंट थे। ओके महात्मा गांधी उसके प्रेसिडेंट थे। गरम दल के लीडर तो बाल गंगाधर तिलक थे, नरम दल के लीडर आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे, सिंपल। ओके चलिए, अरे नोट क्यों नहीं देखा यार, मैं ये तो मैं लगता तो है, ये पता है क्या, पहले ना इन सब को टाइप करता हूँ इंग्लिश में, तो मैं ऐसे मजाक लगता है नोट नहीं देखा ऐसा मत बोला करो, पहले इनको सबको इंग्लिश में टाइप करता हूँ फिर गूगल ट्रांसलेट का फ़ायदा लेता हूँ। अब देखो गूगल ट्रांसलेट से ऐसा तो नहीं है कि अपने जगह सेट होगा, फिर उन्हें एक एक स्टेटमेंट के साथ अटैच करता हूँ ताकि हिंदी इंग्लिश में रहे। ये आपको क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा ऐसे, ये मेरा एकदम कॉपीराइट है किस तरीके से क्वेश्चन प्रेजेंट करना हो।
ऑथेंटिक ओरिजिनल कंटेंट होता है, ठीक है। चलो कहीं नो कट कॉपी पेस्ट, ये अलाइनमेंट भी देख ले करो आप पूरा। ये तो इसमें नोट में खोलता हूँ ना, तो इस वजह से यहाँ से ऐसे यूँ छूट जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर वैसे ओपन करता हूँ ना पावर पॉइंट स्लाइड में तो एकदम ये प्रॉपर आएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर एज गुरुदेव। बिल्कुल सही बात, बात 1917 की है। दोनों ने आपस में टाइटल खेला था, ठीक है। दोनों ने आपस में क्या खेला था? टाइटल खेला था। आपका महात्मा, ठीक है, महात्मा टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को, ठीक है, और गांधी ने टाइटल दिया था गुरुदेव का, गुरुदेव, क्योंकि बंगाली में वा भाषा नहीं होता ना, वा शब्द नहीं होता रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने फादर ऑफ नेशन कहा था? नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने फादर ऑफ नेशन नहीं कहा था। फादर ऑफ नेशन 1943 में एक रेडियो प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, ठीक है, फादर ऑफ नेशन। और बापू तो इन्हें आम लोग बुलाते थे, तो ये आवाज आपका गलत हो गया। गांधी जी को महात्मा भी नहीं कहा था, ठीक है। तो आपका एक ओनली ऑप्शन नंबर वन सही है, ओके, ओनली ऑप्शन नंबर वन इसका राइट है, ओके। मेरे को डेट्स कैसे याद रहती हैं परफेक्टली? क्योंकि मैं उसको ना एक दो बार मैंने रिवाइज करा हुआ है, सिंपल बस, ठीक है। और ना मैं रिलेट करता हूँ चीज़ों को ना, हिस्ट्री कुछ नहीं है, चीज़ों का रिलेशन होना चाहिए बस, डेट्स नहीं, कि इवेंट को एक दूसरे, जैसे मूवी की आपको स्टोरी याद होती है ना, क्योंकि मूवी आप फोकस से देखते हो। इस चीज़ के बाद ये हुई कि कटप्पा मामा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो वो आपको पूरी एक सीरीज में। तो हिस्ट्री भी इसी तरीके से कि इस इवेंट को इससे रिलेट करो कि ये इवेंट उसके बाद ये हुई, ओके। पहले प्रपोज होते हैं, प्रपोज किया जाता है, फिर ब्रेकअप होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि पहले ब्रेकअप होता है फिर प्रपोज किया जाता है, तो ये इवेंट का होता है। तो हिस्ट्री भी हम उसी में ही करते हैं बस, सिंपल, नो रॉकेट साइंस, ओके। सो इसमें क्या पूछा है आपका? सही है, तो ओनली वन आपका सही होगा, बिल्कुल। ठाकुर मोहित सिंह ने इसका आंसर सही दिया, ओके। और गांधी जी के ने टाइटल किस किस को दिया था? तो कायदे आजम, जो मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया जाता है ना, कायदे आजम पाकिस्तान में जो यूज किया जाता है, कायदे आजम। अच्छा, कायदे आजम का मैं ना यूट्यूब पे तो वीडियो देखता रहता हूँ, तो एक मैं देख रहा था, व्हाट पाकिस्तानी थिंक्स अबाउट महात्मा गांधी, दे ऑल्सो रिस्पेक्ट महात्मा गांधी, ये कमाल की बात है। और दूसरी चीज़, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बुलाया जाता है, क्या बुलाया जाता है? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने बुलाया था? अडॉल्फ हिटलर ने टाइटल दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ओके। अरे कोई नहीं भाई, किसी का मैसेज डिलीट करना कोई बात नहीं, गलती करना इज अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि गलती करने से होता है अनुभव, एक्सपीरियंस, और अनुभव ऐसा विद्यालय है, एक्सपीरियंस ऐसा स्कूल है जो आपको ऐसी शिक्षा देता है जो आप जीवन भर नहीं भूलते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, एम विकास एक डिटेल सीरीज प्लेलिस्ट बनाएगा सर, कोशिश करेंगे डेफिनेटली, वैसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ना यूट्यूब पे लोगों को ना इंटरेस्ट बनाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया नया चाहिए। हाँ, हिटलर को भी हिंदी आती थी सर, बिल्कुल। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? चंपारण सत्याग्रह आपका नील की खेती के अगेंस्ट था, बिल्कुल सही। और खेड़ा सत्याग्रह राजस्व नीति के खिलाफ था, बिल्कुल सही। ये दोनों ही तो मैंने आपको बताई, ये गांधी जी के द्वारा फर्स्ट सत्याग्रह था, ठीक है, और ये गांधी जी के द्वारा फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस, ओके, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, क्लियर। तो मैंने बात बताई, पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बोथ ऑफ देम होगा, ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का आंसर बोथ ऑफ देम होगा। नेहा
वैसे अगर सच बात बोलूं तो इंडिया का बॉर्डर अभी अफगानिस्तान के साथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से टच करता है, लेकिन हम उस पर अपना दावा तो नहीं छोड़ते, हम तो उसे अपने बात बताते। जैसे कॉलेज में है ना, होती है, आप उस लड़की से बात नहीं करते थे, लेकिन आप अपने दोस्तों कहते हैं मेरी बंदी है, बात मत कर लियो उससे, तो वही वाला केस है। मतलब हम कहेंगे हमारा बॉर्डर है, क्योंकि हम अब उस पर अपना दावा नहीं छोड़ते हैं, तो इस वजह से बॉर्डर टच है उसका। लेकिन प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल तो है, प्रैक्टिकली नहीं है। ओके, बोथ ऑफ देम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर दो तो मैं जरा मानूं। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर जो देगा उसे मेरी तरफ से एक मेलोडी खरीद के खा लेना, क्योंकि मैं कैसे भिजवाऊंगा आपको मेलोडी, क्योंकि आई लाइक मेलोडी वेरी मच सिंस माई चाइल्डहुड। तो जल्दी से बताएगा, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कमेटी ऑफ आउट डिटेल्स ऑन दी वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम किससे रिलेटेड है? ओके, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली बस इंडियन गवर्नमेंट का सॉलिड स्टैंड होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे, लेकिन आ भी जाएगा तो इंडिया पर तनिक भर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चल ओके, अब देखो वर्धा स्कीम, वर्धा स्कीम का मतलब क्या है? आज एग्जांपल ऐसे क्यों आ रहे हैं, आज मेरी एक्स का बर्थडे है तो इस वजह से मेरे दिमाग में वही चल रहा है। ओके, अब जरा ध्यान देखो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में ये चीज़ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1923 में ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे, 1923 में ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे। और ध्यान रखिएगा 1940 से, ठीक है, 1940 से 46 तक कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं, कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक ये क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। और ध्यान रखिएगा ये भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है, भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। आपका पेपर कब है? 14 नवंबर को है ना, ठीक है, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी बर्थडे होता है, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। उससे ठीक 3 दिन पहले, ठीक है, 11th of November को एक शाहरुख खान का या अमिताभ बच्चन जी का भी बर्थडे होता है, शायद ध्यान नहीं है, तो 11th of November को इनका बर्थडे होता है और वो हम नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाते हैं, ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, हाँ बेस स्ट्रांग करने का भी मैं बताऊंगा, रुक जाइए। अब अब्दुल कलाम आजाद ये हमारे भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट है, ये बहुत अच्छे टीचर थे, तो 5th of September को हम क्या मनाते हैं, 5th of September को हम टीचर्स डे मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड पर्सन थे जिन्हें क्या दिया गया था, भारत रत्न, आपसे सेकंड प्रेसिडेंट थे हमारे और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। अच्छा एक बार बताओ, ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है जिनकी पहला, दो प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे जिनकी प्रेसिडेंट रहते हुए डेथ हो गई थी, यानी डाई इन हार्नेस। ओके ओके, जरा बताओ ऐसे कौन से प्रेसिडेंट हैं जिनकी पोस्ट पे रहते हुए डेथ हो गई थी, क्या होगा इसका आंसर? अच्छा 2 नवंबर को, मेरे को जानकारी नहीं थी, खैर हाँ ओके जल्दी से बताओ, सचिन शुक्ला, अब मैं वो कहूँगा ना, तुम, मैंने प्रेसिडेंट पूछा है, तुम प्राइम मिनिस्टर का नाम बता रहे हो, वो वाली बात कर रहे हो, वो कौन है, वो भारत की बेटी जो श्रीदेवी जी की लड़की, क्या नाम है उनका, भूल गया मैं, अरे नाम ही ध्यान नहीं है, ठीक है,
उनसे वो फराह खान पूछती है कि ऐसा पक्षी बताओ जिसके मतलब पंख होते हो, कहते हैं जिरा, मतलब वो जो अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक मोड़ सकता है, तो वो बोलती है जिराफ। अब वाला आंसर दे रहे हो जाकिर हुसैन साहब, बिल्कुल, और इस क्वेश्चन का आंसर जाकिर हुसैन ही। अब देखिए क्या है, 1937 में शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पी लेता है वो दहाड़ लेता है, ये मेरे शब्द नहीं है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शब्द है, और जो मैं आपके सामने दहाड़ता हूँ वो इसी शिक्षा के बल पे दहाड़ता हूँ। 1937 में कांग्रेस लाई थी नेशनल एजुकेशन प्लान, ठीक है, नेशनल एजुकेशन प्लान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई थी, और उसके हेड बनाए गए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इसी को ही वर्धा स्कीम कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है वर्धा स्कीम बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अच्छा हाँ, जाह्नवी कपूर, मैंने मूवी देखी है लेकिन नाम ध्यान नहीं, ठीक है, ओके। पूना पैक्ट, अब ये तो आंसर दे ही दोगे, ये 1934 में नहीं होता, 1934 के, हाँ 1934 में नहीं हुआ था, एक्चुअली ये हुआ था आपका 1932 में, ओके, इट इज़ नॉट हैपन इन 1934, ये 1932 में हुआ था। तो ये किससे रिलेटेड था, देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1909 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है इंडिया में, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है इंडिया में। डोमिनियन स्टेटस की मांग जो इंडिया में की गई थी 1928 में की गई थी आपका नेहरू रिपोर्ट में, जब साइमन कमीशन आया था ना, ब्रिटिशर्स ने कहा था कि भाई तुम भारत के लोग क्या कानून बनाओगे, तो भाई तब जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, कांग्रेस ने उनको जिम्मेदारी दी आप कानून बनाइए, तो जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू जी, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी 1928 में। ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हरिजन्स, ओके, जिन्हें डिप्रेस्ड क्लास बोलते थे, ओके, नहीं 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 नहीं, ये इसका डी ऑप्शन होगा, ठीक है, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि रिजर्वेशन जो आपका पूना पैक्ट है ना, वहीं से ही आपका रिजर्वेशन शुरू होती है। ये जो पूना पैक्ट है ये हुआ था आपका 24th of September 1932। सुबह वाला लेक्चर में मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, कि भाई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड, क्या करते हैं आपका वो लाते हैं मैकडोनल्ड अवार्ड, जिसमें दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, मुसलमान को भी दिया जाता है, सिखों को भी दिया जाता है, क्रिश्चियंस को भी दिया जाता है, पारसी को भी दिया जाता है, एंग्लो इंडियंस को, फलाना ढिमकाना सबको, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। गांधी जी इस कॉम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में। अब वो कितने बलशाली थे आप देखते हो, तो चार दिन में, दो तीन दिन में ही मतलब पानी ही पीते हैं, उनकी हालत ख़राब होने लगती है। तब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी को, अब डॉक्टर अंबेडकर भी धर्म संकट में, या तो गांधी जी को देखें और एक तरफ अपनी कम्युनिटी को देखें, तब ये एक फार्मूला बना कि नहीं, कांग्रेस में ही प्लेटफॉर्म दिया जाएगा डिप्रेस्ड यानी दलित या शेड्यूल कास्ट को, तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन फॉर हरिजन्स, ओके, हाँ, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, एट विच सेशन वॉज द अथोराइज्ड सिविल डिसोबिडेंट प्रोग्राम। चलो ये तो बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, जरा आंसर बताना, कॉमन सेंस, ओनली शेयर कॉमन सेंस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट कब शुरू हुई थी आपका, 12 मार्च, दांडी मार्च से शुरू हुई थी ना, 12 मार्च 1930 में से आपका 6 अप्रैल, ये दांडी मार्च की डेट है, सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट की डेट नहीं है, 1930 के बीच हुई थी, मतलब ये आपकी क्या है, ये आपकी दांडी मार्च की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 24 दिनों में गांधी जी ने 78 पर्सन्स के साथ अपनी यात्रा शुरू करी थी, और जब तक दांडी के कोस्ट पर पहुँचे उनके साथ लाखों लोग पहुँच गए थे, उनके साथ लाखों लोग पहुंच गए थे। सी ऑप्शन दे रहे हो,
बी ऑप्शन, हाँ लाहौर, बिल्कुल सही बात, लाहौर इसका आंसर होगा, क्योंकि 1929 में, और ये बहुत हिस्टोरिक सेशन है लाहौर, इसमें हमने डिक्लेयर करा था पूर्ण स्वराज, ठीक है। एक्चुअली इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, पूर्ण स्वराज की बात क्या है। हमने ना ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटम दे दिया था कि भाई 31 दिसंबर की तारीख दे रहे हैं आप सभी लोगों को, ब्रिटिशर्स को, या तो नेहरू रिपोर्ट को मान लो, नहीं तो हम पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर लेंगे। वो नहीं मानते और हम 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे इस सेशन में, वो डिक्लेयर कर देते हैं पूर्ण स्वराज। और भारत का जो फ्लैग है, यानी फ्लैग ऑफ इंडिया, ठीक है, पहली बार फ्लैग ऑफ इंडिया को क्या किया जाता, वॉज होस्टेड, उसे क्या किया जाता है, फहराया जाता है। ये हमारा आज के जैसा ही फ्लैग था, बस इसमें क्या था, चरखा था चक्र की जगह, ठीक है। तो पहली बार भारत का झंडा भी जो फहराया गया था आपका 31 जनवरी, और 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 जो है, ये हमने फर्स्ट पूर्ण स्वराज्य डे के तौर पर हमने सेलिब्रेट करा था, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य डे या फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करा था। इसी वजह से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को भी 26 जनवरी को ही इम्प्लीमेंट करा। त्रिपुरा का जो सेशन है ये 1939 में था, और इसमें ना सुभाष चंद्र बोस ने इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस हिटलर के हिमायती, कि हिटलर का कांग्रेस को साथ देना चाहिए ताकि वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा दे। तो गांधी जी के प्रोटेस्ट के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरा, ये त्रिपुरी होना चाहिए, वैसे त्रिपुरा लिखा है यहाँ पे, त्रिपुरी होना चाहिए, वहाँ से क्या कर दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था और नई पार्टी बनाई थी। ये लखनऊ पैक्ट है 1916, हिस्टोरिक पैक्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक हिस्टोरिक पैक्ट हुआ था। ओके, सचिन शुक्ला, आई नो, कोई बात नहीं है, सीखने को मिल रहा है ना, बस कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों के गलत और सही में नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे जज करने से नहीं होगा, एग्जामिनेशन में आपकी क्या परफॉर्मेंस होती है वहाँ पे, यहाँ एज ए टीचर मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ, आपको जो गलती होती है वो आपने गलती क्यों करी ये बताना होता है, आप गलत क्यों, आप गलत हो ये मेरा बात बताना होता है, गलत आंसर कैसे आया उस चीज़ को सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ एक मंच पर आए थे। एक छोटा सा क्वेश्चन, जरा ये बता दो कि लखनऊ पैक्ट में प्रेसिडेंट कौन था, जरा आंसर बताना। ओके सचिन, तुम्हें भी याद हो जाएगा, डोंट वरी। आप ये बताओ, लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ सेशन जो होता उसमें प्रेसिडेंट कौन था? ओके, हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बुलाए थे प्रियांशु शुक्ला, जरा बताओ। जल्दी से बताएगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई मजूमदार नहीं, अंबिका चरण मजूमदार। और 1916 के बाद जो 1917 में कलकत्ता में हुआ था सेशन, उसमें एनी बेसेंट बनी थी जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, ध्यान रखिएगा। और बॉम्बे में तो कांग्रेस का पहला ही सेशन हुआ था 1885 में। कुछ इस तरीके से भी चीज़ों को याद रखने की कोशिश करा करो। अब ये देखो, थोड़ा हैवी ड्राइवर टाइप क्वेश्चन है, लेट्स सी। ओके, हाँ, ठीक है, तो ये थोड़ा हैवी टाइप क्वेश्चन है, जरा इसे आराम से पढ़िएगा। सचिन शुक्ला, आपको स्पेशली कह रहा हूँ, थोड़ा आराम से पढ़िएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये एनडीए का नहीं है, सिविल सर्विस का है, 2005 का क्वेश्चन, कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें डिमांड करी थी डॉक्टर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट। एक्चुअली फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ था, ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी 1932। अब आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो यहाँ से, कई बार ना इस तरीके से आंसर एलिमिनेशन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, तो आप एक स्टेटमेंट के बेसिस पे ही आंसर पे पहुँच सकते हो, यानी इन शॉर्ट आपका ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होंगी। बस हाँ, यहाँ पे देखना चाहिए कि इज करेक्ट और नॉट करेक्ट ना लिखा हो, ठीक है, इज करेक्ट एंड नॉट करेक्ट ना लिखा हो। ओके,
बेगम हजरत महल लखनऊ से रिलेटेड हैं बिल्कुल, और लेकिन उनका जो रिलेशन है रिवोल्ट ऑफ 1857 से है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 है, 13 नहीं है, ओके। तो ये है, और कांग्रेस ने थर्ड सेकंड राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सुबह मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, 1932 में जो आमरण अनशन की बात करी थी वो क्यों करी थी, गांधी जी क्यों बैठे थे? क्योंकि देखो आपकी सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसकी बात करी, डिप्रेस्ड क्लास यानी जो दलित वर्ग है उसके लिए कॉमन, उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी। फिर आपका 16th of August, ठीक है, 16th of August 1932 को, ठीक है, उस समय के प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के होते थे मैकडोनल्ड, ठीक है, मैकडोनल्ड, वो क्या करते हैं, मैकडोनल्ड अवार्ड लाते हैं जिसमें सभी कम्युनिटीज़ को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है। इससे क्या आता है, इंडिया में डिवाइड बहुत ज़्यादा फैल जाता। हम आज की डेट में चुनाव में इतने बटे रहते हैं, ठीक है, आज भी लोग पढ़ लिख के कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे वोट देते, गलत तो नहीं कह रहा, तो ये काम होता तो कितने बढ़ जाते और हमारी जो यूनिटी है वो कितनी कम हो जाती। थोड़ा सोचो, विचार करो, थिंक अबाउट इट। तो गांधी जी आपका ना यरवदा जेल में होते हैं, वो 20 सितंबर को, ठीक है, 20 सितंबर को अपना बैठ जाता है, या तो इस कानून को वापस लो या डॉक्टर अंबेडकर वापस लो, नहीं तो मैं तो चला। और फिर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 24th of September 1932 को, ठीक है, क्या होता है आपका, पूना पैक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल टू सेटिस्फाई इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेशन। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो आपका इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, है तो इस स्टेटमेंट सही लेकिन इससे रिलेटेड नहीं। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, मैकडोनल्ड अनाउंस्ड, ओके। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी था, ओके, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ओके, सो ऑप्शन नंबर सी। तो ये था, और ध्यान रखिएगा आज गांधी जी का जन्मदिन है, तो अंडर 24/7 पर आपका क्या चल रहा है, 77% ऑफ चल रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर इसे 12% में देखिए, ये गलत मेरे से इमेज लग गई है, ठीक है। आज अगर आप अंडर 24/7 का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उस पर आपको 77% ऑफ मिलेगी। कितना मिलेगा, 77% ऑफ मिलेगा। इसके लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा CAPITALU191, क्योंकि आज महात्मा गांधी जी की क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है, इसकी वजह से आपके लिए स्पेशल ऑफर लाया गया है। तो आप में से जो NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CAPF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या FCAT की प्रिपरेशन, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की भी कर रहे हो ना, तो इसे ज़रूर ज्वाइन करो। ओनली 2300 आपको देने पड़ेंगे, यानी फीस आज कितनी होगी हमारे इस महापैक की, ये जैसे नेटफ्लिक्स का या आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना अमेजोन प्राइम का, उस तरीके से एक साल तक जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं वो आपको करने को मिलेगी। करंट अफेयर्स भी होते हैं उसमें, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, जो बैच हो चुके हैं, जो बैच चल रहे हैं, और एक साल में जितने भी बैच हैं, चाहे वो NDA का आए, FCAT का आए, CDS का आए, और आपको वीडियो कोर्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको ई बुक्स मिलेगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ओके ओके। पंजाब में कास्ट का इसलिए इतना नहीं है क्योंकि पंजाब में सिखिज्म चलता है, सिखिज्म में सब चीज़ बराबर होती है, ठीक है, वहाँ पर कास्टिज्म इतना नहीं है, है लेकिन ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा है, ठीक है, और बाकी यूपी बिहार में ज़्यादा है, ये तो एक मानते हैं हम, ठीक है। और ये बैच है ना, ये बैच का प्राइस आपको 1800 में आप CDS, जो NDA के लिए कर रहे हैं ना, NDA के लिए मैं बता दूँ, इसमें आपको साइंस, इंग्लिश और GK अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी 1800 में। लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप 2300, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 500 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, और 500 में आप 1 ईयर के लिए ये बैचेस दोनों करने को मिलेंगे, प्लस फ्यूचर बैचेस करने को मिलेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज करने को मिलेगी, प्लस करंट अफेयर्स मिलेगा, प्लस ई बुक्स मिलेगी, तो वो सारी आपको बेनिफिट होगा, तो उसको ज्वाइन करिएगा।
मैं कल मिलूंगा 3 बजे कारगिल टेस्ट सीरीज के साथ और शाम को 7 बजे परमवीर चक्र टेस्ट सीरीज के साथ। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ यू। ओके ओके सुनेहा, ये मैंने वो अभी मैं उनसे बात करता हूँ और आपको पेमेंट लिंक भिजवाता हूँ। ओके थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ